हमारे पास बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए या एम्फीबोलिक पाथवे में देखेंगे यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, देन दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के लिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. थ्री पॉइंट्स इन द एनसीकल एनएडी, ये ठीक है बिल्कुल. तीन एनएडी पीएच निकलती है, एच निकलते हैं. द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पाइरुविक एसिड. नो विद सिट नो 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 ये ऑप्शन गलत है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एसिड रिपीट एसिटाइल कोएंजाइम. क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. ए वन, एक ही स्टेप में होता है. जीटीपी निकलता है क्रेब्स साइकिल में. द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिज्म सबस्ट्रेट ऑक्सिडाइज विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फर्मेंटेशन. कैमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस इज ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रपोजेस दैट इज इन फाउंड बिकॉज प्रोटोन ग्रेडिएंट. दिस इज प्रोटोन ग्रेडिएंट. ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज टू फ्रॉम द एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स. हाउ मेनी एटीपीज आर कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ कंप्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन. आपको याद रखना है 57. ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम एटीपी. ईटीसी में सबसे ज़्यादा बनते हैं. इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अ ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल पायरुविक एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटाइल्डिहाइड. ये ठीक है ऑप्शन. ठीक है, हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन. वन मॉलिक्यूल 38, जिसमें से दो यूज हो जाते हैं तो हमारे पास 36. हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन. वन मॉलिक्यूल 38. ठीक है, 38 होता है जिसमें से दो शटल सिस्टम में यूज हो जाते हैं. दिस इज योर आंसर की